What's up guys, I hope you are doing well. My name is Om, welcome to Academy Asia. आज से हम एक टोटल न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. इसमें NCERT और रमेश सिंह को मैं काफ़ी हॉलिस्टिकली कवर करवाऊंगा आपके UPSC के पर्पज़ से और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से. और ये हफ्ते में आपको एक दो लेक्चर सीरीज आपको वीक में एटलीस्ट देखने को मिलेंगी. और मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेमैन लैंग्वेज में बहुत रखूँ ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट हो तो इजीली कनेक्ट हो पाए मेरी वीडियो से. आपको हमेशा अगर नोट्स बनाने हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठना होगा मेरे लेक्चर को सुनने से पहले, ओके. और इसमें हम NCERT और रमेश सिंह को, जैसा कि मैंने कहा, हॉलिस्टिकली कवर करेंगे. और इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में रिविज़न कर सको. और ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होंगी, जैसा कि मैंने कहा, लेमैन लैंग्वेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएँ. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या सजेशन हो आपको कोई, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ओके. फाइन, थैंक यू. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है. तो इकोनॉमिक्स होती है, ये देखो, ये एक स्टडी है कि सोसाइटीज़ कैसे जो स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं उनको प्रोड्यूस करती है वैल्यूएबल कम्युनिटीज़ के बीच लिए, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है पीपल्स के बीच में, ओके. जैसे मान लो अगर आपके पास एक समोसा है, ठीक है, और उस समोसे को आपको इस तरीके से प्रोड्यूस, नहीं सॉरी, समोसा तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको एक आलू ले लो, ठीक है. आपको आलू है आपके पास, पटेटो, ठीक है, और उसने आपको समोसा बनाना है. फिर समोसा बना के आपको उसको इस तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो हर एक जो डिफरेंट पीपल हैं उन तक आपको अच्छे से ये कम्युनिटीज़ के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है. ये मान लो आपके पास जितने हिसाब से पर्सन हैं उतने हिसाब से समोसे नहीं है, लेकिन आपको उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. और इकोनॉमिक्स जो होती है ये इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप हो गए, फर्म्स हो गए, जैसे टाटा बिरलाज हो गए और गवर्नमेंट्स हो गए, इनके बीच और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं, जैसे PSU वगैरह, विद इन आवर सोसाइटीज़ जो होते हैं, ये चॉइस मेक चॉइसेस एंड हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइन सोसाइटीज़ यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज. तो ये सब जो चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट्स, PSUs, ये सब हमारे सोसाइटीज़ की चॉइस वगैरह को डिटरमाइन करते हैं और उसके हिसाब से उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ओके. देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस है. हाँ, दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, लेकिन देर स्टिल अ वेरी मार्जिनल डिफरेंस, ओके. देखो, वन एक तो थ्योरी है और दूसरा है कि एक प्रैक्टिकल है. जैसे कि आप अपने 12th क्लास तक पढ़ते आए होंगे, केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 70 मार्क्स आपके होते थे प्रैक्टिकल के, और अप्रॉक्स 30 मार्क्स होते थे आपके 70 मार्क्स होते थे आपके रिटर्न और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल. तो कुछ उसी तरह है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का रिलेशन. तो एक तो थोड़ा प्रैक्टिकल है और एक थोड़ा थियोरेटिकल है, ओके. देखो, इकोनॉमिक्स जो है ये एक डिसिप्लिन है. जैसा कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग उसको साइंटिफिक मेथड उसमें ढूंढते हैं कि वो साइंस के बिहेवियर को कम्पीट करता है कि नहीं. तो इकोनॉमी है ये जो डिसिप्लिन है इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ने का ह्यूमन बींग्स के. और इकोनॉमी जो है ये स्टिल फ्रेम पिक्चर जो होती है ना, जो दीवार में हम लोग टांगते हैं, उस तरीके की चीज़ है इकोनॉमिक्स की. टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं आपको और बताता हूँ. इकोनॉमिक्स जो होती है वो थ्योरीज से आती हैं, जो मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा उनके ऊपर जो होती हैं. और इकोनॉमी जो होती है वो रियल पिक्चर होती है, ठीक है, और जो उसी चीज़ को एप्लीकेशन के रूप में हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो जाती है इकोनॉमी, ओके. और देखो, डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमी. तो एक मैक्रो इकोनॉमी होता है और एक माइक्रो इकोनॉमी होता है. मैक्रो इकोनॉमी, आप देखो, ये एज अ होल, मान लो जैसे एक फैमिली है, ओके, ये भी एक इकोनॉमी है. इसमें डिफरेंट एंटिटी हैं. वो एंटिटी क्या हैं, उसमें एक सन होगा, मदर होगी, फादर होगा, ओके. ये सब एंटिटी हो गए उसके, और एज अ होल फैमिली की इकोनॉमी हो गया. तो ये मैक्रो इकोनॉमी इस फैमिली को स्टडी करेगा, या उसके उपलक्ष्य में माइक्रो इकोनॉमी जो होती है वो एक एंटिटीज़ को स्टडी करती है,
जैसे मदर हो गई, फादर हो गए, सन हो गया, डॉटर हो गया, वो बहुत ही स्पेसिफिक होके पढ़ती है। ओके, और आप देखो ऑर्गेनाइजिंग एन इकॉनमी, तो यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है, एक स्टेट इकॉनमी होती है और एक मिक्स्ड इकॉनमी होती है। ओके, देखो एडम स्मिथ जो थे वो, उन्होंने 1800 के टाइम पे वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक पब्लिश की थी। ओके, और ये 1800 के टाइम आते आते 1800 से थोड़ी पहले उन्होंने बुक एक पब्लिश की थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से कैपिटलिज्म को दर्शाया था। फाइन, और 1800 आते आते ये यूरो अमेरिकन रीजन में ये काफ़ी मतलब डिफरेंट नेम से ही फेमस हो गया, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, मार्केट इकॉनमी, ठीक है। और जो ये डिसीज़न होता था कि क्या प्रोड्यूस करना है, ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ओके, और कितने प्राइस पे उसको बेचना है, ये सब मार्केट डिसाइड करती थी। और प्राइवेट इंटरप्राइजेज इसमें, इस सिस्टम में ज़्यादा फंक्शनल थे, और स्टेट जो था इनका कोई भी इकोनॉमिक रोल नहीं था, ठीक है, स्टेट का कोई इकोनॉमिक रोल नहीं था कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। फिर उसी की तरह होता है स्टेट इकॉनमी, स्टेट इकॉनमी में आते हैं, जैसे एक ग्रेट फिलोसोफर का आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने हमेशा ये थ्योरी दिया कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके, तो ये जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने जैसे स्टेट इकॉनमी का एग्जांपल दिया, इसके दो वेराइटीज़ इन्होंने हमें बताया, एक तो होता है सोशलिस्ट और दूसरा था कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट का आपको एग्जांपल मिलेगा USSR, कम्युनिस्ट का आपको एग्जांपल मिलेगा चाइना, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है क्या, देखो सोशलिस्ट में है कि इकॉनमी जो है वो कलेक्टिवली ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और ये लार्जर रोल स्टेट की भी देती है इन रनिंग द इकॉनमी। अब उसके जगह आप कम्युनिस्ट जो चाइना में इकॉनमी है जो चाइना की, उसमें देखो ये एडवोकेट करते हैं ओनरशिप, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप है वो लेबर, एब्सोल्यूट पावर, सब चीज़ को लेकर ये सारे स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की जो ये सोशलिज्म है, सोशलिज्म वॉज अ ट्रांजिशनल स्टेज टू कम्युनिज्म, इट नेवर डिड हैपन इन रियलिटी। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, USSR में थोड़ा लिबरल है, लेकिन इसमें तो चाइना में तो पूरा ही स्टेट ओन्ड है, यहाँ पे आप लिबरल हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आती है मिक्स्ड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी का आप एग्जांपल कैसे लोगे, तो डेफिनेटली इंडिया एक एग्जांपल है मिक्स्ड इकॉनमी का। और जो इकोनॉमिक सिस्टम था इंडिया का, ये प्री 1991 से पहले मिक्स्ड इकॉनमी थी। ओके, और द इमरजेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी वॉज दस एबल टू सेटल द लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट एज टू वॉट वॉज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द इकॉनमी। देखो इन दोनों में तो हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट रहता था, कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी स्टेट इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ करती थी, स्टेट इकॉनमी कैपिटलिस्ट इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ करती थी। तो फिर जैसे ही टाइम आते गया, हम लोग 20th century की तरफ बढ़ते गए, तो वैसे ही जो हमारी मतलब मिक्स्ड इकॉनमी की नीड है ना, उसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई, कि भाई ऐसा अब कौन सा तरीका है जो इकॉनमी को ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट तरीका है। तो जैसा कि आप जानते हो 1776 के बाद, फिर उसके बाद 2000 आया, ये दोनों टाइम के बीच में आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले आपको जो फॉर्म हुआ था, तो इसका पहले आपको नाम बताना होगा, ठीक है, कि इनिशियल नेम इसका था क्या। इसका मैं एक फर्स्ट वर्ड बता देता हूँ, ग्लोबल से इसका स्टार्ट था फर्स्ट वर्ड, बट आपको इसकी इनिशियल नेम बतानी होगी। इसको लेटर ऑन चेंज करके WTO किया गया था। फाइन, तो WTO ने ये बताया कि जो फ्री मार्केट है, ये स्टेट इकॉनमी को नॉन एंटिटी बनाने का दर्जा नहीं देता है। लाइक देखो, मार्केट
फ्री मार्केट ही डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, और इसमें स्टेट का भी रोल होगा ही होगा। आप स्टेट को टोटल इग्नोर नहीं कर सकते मिक्स्ड इकोनॉमी में, और उसमें जो भी WTO ने स्टेटमेंट दी, अपने हिसाब से डिफाइन किया, वो एक प्रोमिनेंस हो गया कि हाँ भाई अभी मिक्स्ड इकोनॉमी की यही डेफिनेशन है, क्योंकि उस समय तक WTO वॉज द बिगेस्ट एंटिटी इन द वर्ल्ड। अब सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी देखते हैं। सबसे पहले आता प्राइमरी सेक्टर, फिर आता सेकेंडरी सेक्टर, फिर आती है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप देखो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनका डायरेक्ट जो यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, फ्यूल हो गया, मेटल्स हो गया, माइंस, मिनरल्स, ये सब आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में, ओके। और इन सम ऑफ द इकोनॉमीज माइनिंग एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में कहीं कहीं पे माइनिंग एक्टिविटीज़ को डाल दिया जाएगा, बट दो वी सी डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स हियर। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसा कि डायरेक्ट यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हम लोग इसे प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। देखो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको कैसे ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी प्रोडक्शन को ये मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन बाय द इंडस्ट्रीज, दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रेड, बिस्किट, केक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एट्सेट्रा, ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। आते हैं टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शरी सेक्टर को कहा जाता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर एक तरीके से, क्योंकि जैसे यहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिला, आपने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया, अब उसकी सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए भाई अब मान लो नोट तो बन गया, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर हुए नोट बने हैं, ठीक है, तो बैंक होना चाहिए ना नोटों को इधर उधर सर्कुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, टूरिज्म होता है, एजुकेशन होता है, तो इसलिए इसको सर्विस सेक्टर का नाम दिया गया टर्शरी सेक्टर को, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी क्लियर होगा। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ इकॉनमी को देखते हैं। एक होता है एग्रेरियन इकॉनमी, एक होता है इंडस्ट्रियल इकॉनमी, और एक होता है सर्विस इकॉनमी। देखो एग्रेरियन इकॉनमी उसको कहते हैं जिसकी जो प्राइमरी सेक्टर जो है ना, उसका जो 50% से ज़्यादा अगर GDP में कंट्रीब्यूशन होगा तो वो एग्रेरियन इकॉनमी होगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का 50% से ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या होगा, एग्रेरियन इकॉनमी होगा, ठीक है। और अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखो तो इंडिया एक एग्रेरियन इकॉनमी अब नहीं है, ठीक है, एज ऑफ नाउ इंडिया नहीं है। अब इंडस्ट्रियल इकॉनमी देखते हैं। देखो इंडस्ट्रियल इकॉनमी होता है ये सेकेंडरी सेक्टर जैसे होता है, इफ़ द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट, जो 50% से अगर ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है आपके GDP में, तो भैया वो तो इंडस्ट्रियल इकॉनमी हो जाएगा। और आप जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखोगे, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर आप उसको देखो तो ये लोग इंडस्ट्रियल इकॉनमी इसीलिए बने क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अपना बूम पे ले आया था, और जो कि मतलब इसकी जो पोटेंशियल, जो मतलब आप कहो जो इसका थ्रेशोल्ड है, उसको भी इन्होंने सरपास कर लिया था। इस वजह से जो डेवलप्ड इकॉनमी है, जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर को काफ़ी फोकस किया था। और इंडिया में ये बहुत हद तक हम लोग इसमें पीछे हो गए, हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। फिर आते हैं सर्विस इकॉनमी के ऊपर, ठीक है। अब सर्विस इकॉनमी वो होता है जिसमें 50% और मोर प्रोड्यूस जो होता है, वैल्यू इनकम जो होता है, वो टर्शरी सेक्टर से आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्विस इकॉनमी। टर्शरी सेक्टर में क्या हो गया, एजुकेशन, ओके, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। फर्स्ट लॉट्स ऑफ सच इकॉनमी इन द वर्ल्ड वर अर्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी, द टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन सच इकॉनमीज, ठीक है। ये जो डेवलप्ड इकॉनमी में सबसे ज़्यादा जो लिवलीहुड प्रोवाइड करवाते थे वो सर्विस इकॉनमी प्रोवाइड करवाते थे, टीचर हो गए,
अब बैंकिंग में हो गए, जो बैंक के ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है। लेकिन फिर बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एटलीस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वर अ फैक्टर फास्टर वे टू अर्न इनकम इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर एग्रेरियन एक्टिविटीज। ओके, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये एस्टैब्लिश हो गया था फैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये मतलब फैक्ट हो गया था कि अब जब तक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी नहीं होगी तब तक तो भैया एग्रेरियन इकॉनमी होने से कोई काम ना चलने वाला है, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी हॉलिस्टिकली और इजी लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ उतने लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाऊँगा, ठीक है। अगर आपको कोई इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट होती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। देखो मेरी चाबी आपके हाथ में है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, फाइन। तो इस इकोनॉमिक्स के लेक्चर को आपको कैसा लगा ये प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स यूज़ मत करो आप, और एजुकेशन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ हम यंग जनरेशन से और एजुकेशन का जो लेवल है इंडिया को उसमें हमें डेवलप करने में ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और इस PDF वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन, गॉड ब्लेस यू ऑल।